कौन किससे किस तरीके से मिल रहा है और कौन किससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, यही लोगों को पता चलेगा कि प्यार की ताकत क्या होती है। जो लोग कहते हैं कलंक लगा है, नाजायज मोहब्बत हमेशा कलंक के तौर पे दिखी जाती है। जो DDLG की याद दिलाता है कहीं ना कहीं। संजय लीला वंशाली टाइप की फिल्म लग रही है, तो मैं देखना चाहूंगा। इसके एक्सपेक्टेशन एक्चुअली ट्रेलर देखने के बाद काफी हाई हो चुके हैं। ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और खास करके जिस तरीके से ट्विस्ट और टर्न्स ट्रेलर में दिख रहे हैं, तो उतना ही कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है और उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है फिल्म के लिए कि कैसे ये टर्न आउट होने वाले सारे ट्विस्ट और टर्न्स। ऑफकोर्स मेरा फेवरेट ऑफकोर्स आलिया और वरुण है, लेकिन ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच सोनाक्षी सिन्हा कैरेक्टर, बिकॉज वो बहुत क्वाइट लग रही हैं फिल्म में ट्रेलर में, और ऐसा ज़्यादा दिखाया नहीं, उनके कैरेक्टर को रिवील नहीं किया गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप्स कुछ होने वाला है। उनको ज़्यादा रिवील नहीं किया है, लेकिन शायद उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है, सो लुकिंग फॉरवर्ड। ट्रेलर से बेसिक जो बेसलाइन है पूरी फिल्म की, स्टोरी की जो बेसलाइन है, वो तो रिवील हो ही चुकी है कि ऑफकोर्स लव स्टोरी है और बाकी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कलंक कहा जा रहा है उनके प्यार को, तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बार बार सभी एक्टर्स ने भी बोला ट्रेलर लॉन्च पे कि ट्विस्ट एंड टर्न्स है स्टोरी में बहुत ज़्यादा, कौन किससे किस तरीके से मिल रहा है और कौन किससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, सो ये देखने के लिए फिल्म का वेट करना पड़ेगा। ऑनेस्टली 4 stars देती, बट इतने सारे दिग्गज कलाकार हैं, सो 5 stars। आई रियली लव द टाइटल ट्रैक, थोड़ा सा सूदिंग है, एक पेन भी है, और साथ साथ कुछ एक मिस्ट्रियस, मतलब उसका जो वाइब आता है उस सॉन्ग को सुनने के बाद, कलंक नहीं ये इश्क है काजल पिया, सो वो जो लाइन्स है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करती है, तो मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। जो डाउट्स थे मैंने टीजर में लेके कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, बिकॉज सिर्फ म्यूजिक दिखाई गई थी एंड जो भी चल रहा था, लेकिन ट्रेलर में अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि एग्जैक्टली ये क्या सिचुएशन हुई है। आजकल के लोग ऑब्वियसली सबको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता है, अभी यही देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जिस तरीके से आलिया भट्ट है, कभी आपको वरुण के साथ नजर आएंगी, कभी आलिया आदित्य के साथ नजर आती है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये आपको 17 अप्रैल को पता चलेगा। वही तो मैंने कहा कि यही लोगों को पता चलेगा कि प्यार की ताकत क्या होती है। जो लोग कहते हैं कलंक लगा है, अब वो कलंक प्यार से कैसे मिटेगा ये आपको पता चलेगा। ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है, सबने अपने अपने एक्टिंग बहुत बखूबी निभाई है, लेकिन इधर 3 couple हैं जहाँ पे हम 2 couple को पहले देख चुके हैं, भले वो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त हो या आलिया और वरुण हो, लेकिन ऐसा पहला कपल है जिसने अभी तक कोई काम नहीं किया साथ में, वो है ऑब्वियसली सबको पता है सोनाक्षी एंड आदित्य। सो नाउ लेट्स सी कि तीनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है। एक तरफ माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को 20 साल के बाद लोगों को देखने का एक अलग जज्बा है, वहीं पर दूसरे जो वरुण और आलिया के फैंस हैं वो लोग के बद्री और स्टूडेंट के बाद उनका एक अलग सा नशा है देखने के लिए, एंड आई एम श्योर लोगों को तीसरी कपल की भी केमिस्ट्री एक्सप्लोर करनी होगी। तो तीनों कपल्स के बारे में क्या कहूँ, नाउ लेट्स सी कि कलंक क्या कमाल करती है बॉक्स ऑफिस में। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग, बट कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो मुझे संजय लीला भंसाली की फील आ रही है, जिस तरीके से उनका लार्जर देन लाइफ पिक्चर होता है ये भी कलंक वैसा ही बनाया गया है। इट्स अ लाइक ह्यूज बजट, सो आई एम श्योर ये मूवी 2 दिन के अंदर ही यू नो सारे रिकवर कर लेगी एंड दिस विल बी अ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3.5 stars। इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑपुलेंट ट्रेलर्स दैट आई हैव सीन विद द मोस्ट ऑपुलेंट सेट्स, सो आई लव द ट्रेलर, आई डिग इट। माधुरी दीक्षित के अलावा मुझे तो और कोई, मतलब आलिया भट्ट डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, मतलब हर एक फिल्म के साथ शी हैज़ प्रूव दैट शी इज़ वन ऑफ द रेनिंग क्वींस ऑफ बॉलीवुड टुडे बिसाइड्स कंगना एंड बिसाइड्स सम ऑफ द अदर एक्टर्स, बट यू नो कीपिंग हर असाइड, वी हैवन्ट सीन माधुरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, द फैक्ट दैट शी इज़ कमिंग ऑन टू द बिग स्क्रीन आफ्टर सच अ लॉन्ग हायटस इज एक्चुअली प्रोपेलिंग अ लॉट ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड एक्साइटमेंट इन मी, सो ऑब्वियसली आई लुक फॉरवर्ड टू माधुरी'ज परफॉर्मेंस द मोस्ट। संजय दत्त का बहुत ज़्यादा सीरियस कैरेक्टर लग रहा है, आई थिंक ही इज़ द वन हुज बाप जिनके जिसका एक बैकबोन जिसको बोलते हैं बैकबोन के उसके कैरेक्टर के बैकबोन के ऊपर पूरा पिक्चर जैसे बनाया गया है। इसी देर इन द ट्रेलर शीशो मैंने तो मुझे तो नोटिस ही नहीं हुई फॉर द ट्रेलर स्पेशली बिकॉज माधुरी इज देयर एंड आलिया भट्ट एंड आलिया भट्ट इज अगेन अ कमजोरी, so I personally feel for the trailer I would give it a 5 out of 5. Okay, अगर बात करें ट्रेलर की तो कुछ लग रहा है कोई स्टोरी रिवील हुई है उसमें? नहीं नहीं कुछ स्टोरी रिवील हुई है, पर एक डायलॉग है जिसमें अगेन माधुरी बोलती है उस डायलॉग को,
कि नाजायज़ मोहब्बत हमेशा कलंक के तौर पे देखी जाती है, कुछ ऐसा डायलॉग है मुझे ठीक से याद नहीं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं दैट डायलॉग समराइज़ेस एंटायर फिल्म. द कलंक के ऊपर एक पन, द वर्ड कलंक इज यूज्ड एज़ अ पन, सो इट्स गोइंग टू बी यूज्ड इन डिफरेंट टर्म्स, इट्स गोइंग टू बी यूज्ड इन डिफरेंट मीनिंग्स थ्रू आउट द फिल्म. ट्रेलर के बारे में ये कहूँगा, कलंक जो है बहुत अच्छी मूवी है, और जहाँ तक किरदारों की बात करें, संजय दत्त की बात करें, वरुण धवन की बात करें, आलिया भट्ट की बात करें, सोनाक्षी जी की बात करें, कुणाल खेमू भी हैं और कपूर साहब भी हैं, तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो ट्रेलर देखने के बाद तो लगता है कि फिल्म काफ़ी अच्छी जाएगी, क्योंकि लेकिन बाद में एक सीन भी दिया है जो DDLG की याद दिलाता है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वरुण ने खंडित किया कि ये बात से मोटिवेटेड नहीं है, बात से प्रेरित नहीं है. ओवरऑल एक बात कहूँगा कि अच्छी स्टार कास्ट है, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है और फिल्म कुछ अच्छा करेगी. देखिए फिल्म में जो मेन बात है कि स्टार कास्ट तो है, ट्रेलर से एक बात समझ में आ जाती है कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी. ओवरऑल जो फिल्म है, फिल्म अच्छी होगी तो संजय दत्त अपने आप में बहुत ही मजे और सशक्त कलाकार है बॉलीवुड के, वहीं पे वरुण धवन और आर्या नो डाउट नोन है, सोनाक्षी सिन्हा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है अपने आप में, कुणाल खेमू हैं जो अक्सर सपोर्टिंग रोल में फिल्मों में देखे जाते हैं, और मुझे लगता है वो इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे. कुणाल राय कपूर साहब तो नो डाउट वो भी एक अच्छे और मजे हुए एक्टर हैं. तो अगर ओवरऑल इसके ट्रेलर की हम बात करें, उसको देखने के बाद की बात करें, तो मैं इसको स्टार कास्ट को सबको मद्देनज़र रखते हुए 4 स्टार तो देना चाहूँगा. लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, फिल्म को देखने के बाद ही हम एक औसत लगा सकते हैं कि हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अच्छी फिल्म है बुरी फिल्म, कि फिल्म जब तक नहीं देखी जा सकती तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना, मैं समझता हूँ कोई भी कहता है वो बेकार है, और ट्रेलर से हम पूरी फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते. स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, नो डाउट फिल्म बहुत अच्छी जाएगी मेरे हिसाब से. ज़्यादा दिल की बात, शुक्रिया, थैंक यू. बहुत अच्छा ट्रेलर था, आप लोगों को देखनी चाहिए फिल्म. 17th of April ये रिलीज़ हो रही है. वरुण आलिया का केमिस्ट्री तो ऐसे भी पहले से ही रॉक करता है, इस फिल्म में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है. और संजय सर, माधुरी मैम बहुत दिनों बाद साथ आ रहे हैं, सो यू शुड ऑल गो एंड वॉच द फिल्म. ट्रेलर को 4.5. जी हाँ, या ये एक संजय लीला वंशाली टाइप की फिल्म लग रही है, तो मैं देखना चाहूँगा इसके एक्सपेक्टेशन एक्चुअली ट्रेलर देखने के बाद काफ़ी हाई हो चुके हैं, तो मैं देखना चाहूँगा कैसी मूवी बनाई है. अभी सीखें ये मुझे लगता है अराउंड 200 करोड़ डेफिनेटली. आलिया आलिया मैम वॉज टू ब्यूटीफुल जस्ट वेटिंग टू सी द होल मूवी नाउ. फर्स्ट डे फर्स्ट शो, एग्जैक्टली फर्स्ट शो. I will give 10 of 10. 10 of 10. I got up Sanjay Dutt. Sanjay Dutt, Baba is always cool. I am the biggest fan of Baba. अभी तो मूवी देखने के बाद ही अभी हिस्टोरिकल, सो समवर्ट इन अपने जैसा ये वाली मूवीज जैसा रहता है वैसा, मतलब हिस्टोरिक भी था जूना, मतलब ऐसे यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन वैसा दोनों मिक्स था. बाकी तो ट्रेलर वो सुपर वंडरफुल.